फ्रेंड्स, आप क्लोरीन को जानते होंगे। क्लोरीन डोज किया जाता है पानी में, और कितना क्लोरीन डोज होना चाहिए पानी में, कौन सा क्लोरीन डोज होना चाहिए पानी में, क्या हम क्लोरीन डोज करते हैं पानी में, बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लोरीन से रिलेटेड हैं। क्लोरीन डोजिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कौन से पानी में की जाती है, कहाँ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्टक करता है उस चीज़ को, और अच्छे से हम उस चीज़ को जान पाते हैं। तो क्लोरीनेशन या क्लोरीन डोजिंग या क्लोरीन कैलकुलेशन, इन तीनों ही बातों पर मैं एक वीडियो वैसे भी बना सकता था नॉर्मली सब चीज़ें एक साथ बता के, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं क्लोरीन से रिलेटेड। बस अगर किसी से पूछो तो सिर्फ ये बताया था, हाँ भाई क्लोरीन डोजिंग क्यों की जाती है, और एक ही आंसर उसको पता होता है, बैक्टीरिया मारने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्लोरीन कितनी डोज होती है, कैसे डोज होती है, आज इसी सब पे बात करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पूरी वीडियो क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग बनाई है, और ये मैंने लगभग 15 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्लोरीन क्यों डोज की जाती है। इसी प्रकार से ये 15 क्वेश्चन है, और मैं ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जिसने ये 15 क्वेश्चन इसमें से देख लिए, वो क्लोरीन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, तो मेरी गारंटी है कि वो कभी असफल नहीं हो सकता या वो फेल नहीं हो सकता। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन क्यों डोज की जाती है। तो सबसे पहला वही, कोई भी इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा क्लोरीन क्यों डोज की जाती है। तो क्या कारण है क्लोरीन डोज करने का? क्लोरीन डोज की जाती है पानी साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए। और पानी कैसे साफ होता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जो उसके अंदर कंटामिनेंट्स हैं, बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स हैं, उनको किल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन डोज की जाती है। किस लिए? किल बैक्टीरिया, जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए, और प्योर वाटर, वाटर को शुद्ध करने के लिए। दो कारण है जिसके लिए हम क्लोरीन डोज करते हैं, मेन वही है कि पानी को साफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन उठता है इस पे से कि क्लोरीन तो डोज करते हैं, लेकिन क्लोरीनेशन टाइम कितना होना चाहिए। मींस क्लोरीन तो हम डोज कर रहे हैं, लेकिन वो क्लोरीन पानी के टच में कितनी देर रहनी चाहिए। अगर क्लोरीन पानी के टच में, यानी पानी में, अब कहीं तो ऐसा होता है कि बहुत तेज क्रिया हो जाती है। हम आप बोल रहे हो कि कंटामिनेटेड वाटर है, मान लो गंदा पानी है, गंदा पानी में हमने क्लोरीन डाली, तो क्या वो क्लोरीन डालते ही साफ हो गया? ऐसा नहीं है, मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। मींस क्लोरीनेशन का जो टाइम है वो मिनिमम कितने लगते हैं? 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स। मींस कम से कम 20 मिनट क्लोरीन उसके टच में रहनी चाहिए, यानी क्लोरीन पानी में रहनी चाहिए, और उसके बाद आप उसको ACF से गुजार सकते हो, या उसकी क्लोरीन जो फ्री FRC है उसको छान सकते हो या फिल्टर कर सकते हो आगे। ठीक है, करना क्या होता है फ्रेंड्स, जब क्लोरीनेशन टाइम मान लो 20 मिनट होंगे, तो 20 मिनट के बाद क्या है, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया मर जाएगा तो वो बैक्टीरिया भी तो उस पानी में होगा, तो जब उस पानी में बैक्टीरिया होगा, जो भी उसमें मरा है, कंटामिनेंट्स हैं, जो भी उसमें खत्म हुआ है, वो भी तो उसी में होगा। उसको निकालने के लिए हमें पानी को फिर से फिल्टर करना पड़ता है। ठीक है, वो आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, फिर तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यह क्लोरीन है जो हम डोज करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा STP प्लांट में या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ कहीं भी आप क्लोरीन डोज करते हो, या आपने देखा होगा कि जो वाटर पूल हैं, मतलब वाटर के फवारे हैं, जहाँ पर पानी के फवारे हैं, वहाँ पर भी हम क्लोरीन डोज करते हैं। तो क्या आपने ये श्योर किया है कि वो क्लोरीन है? आपने देखा होगा 40 लीटर की कैन क्लोरीन की भर के आ जाती है, और आपको बोला जाता है भाई क्लोरीन आ गई है। फ्रेंड्स, वो क्लोरीन जरूरी नहीं है कि वो क्लोरीन हो, क्लोरीन प्योर होती है, और प्योर क्लोरीन जल्दी से इंडस्ट्री में या बिल्डिंग्स में नहीं लाई जाती है, और उसकी जगह कुछ और होता है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या वह क्लोरीन है जो हम डोज करते हैं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, नहीं, जो हम डोज करते हैं वो क्लोरीन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर क्लोरीन मुश्किल से ही आपको इंडस्ट्री में या प्लांट में सप्लाई की जाती है, वो भी लैब में ज़्यादातर होती है, प्लांट में नहीं होती। प्लांट में क्या होता है, अब क्लोरीन की जगह हम क्या डोज करते हैं? क्वेश्चन चौथा देखिए, तब क्या डोज करते हैं? तब जो हम डोज करते हैं वो क्या है? फ्रेंड्स, वो दो चीज़ें होती हैं, उसको हम वैसे बोलते हैं हाइपो, लेकिन ये दो होते हैं, CaOCl या NaOCl,
यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये दो मोस्ट प्रोबेबली लिए जाते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन जब आप वेंडर से पूछोगे तो क्या देगा, वो बोलता है क्लोरीन दिया है मैंने, वो क्लोरीन नहीं होती फ्रेंड्स, हाइपो होती है। अगर आप उसे ज्यादा फोर्स कर पूछोगे हाइपो है ये, तो हाइपो भी कौन सा लिया जाता है, देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइपो जो होता है हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की वजह से उसकी हार्डनेस बढ़ती है और वो पपड़ी सी उसमें ज्यादा निकलती है, तो इसको हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेते। तो कौन सा लेते हैं, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मोस्ट प्रोबेबली जितना भी इंडस्ट्री में डोजिंग के लिए केमिकल आता है या क्लोरीन आती है, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। और इस सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लीच। कहीं कोई ब्लीच बोल देता है, कोई हाइपो बोल देता है, तो ब्लीचिंग पाउडर भी बोल देते हैं, ब्लीच भी बोल देते हैं और NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं। अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड में 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25 इतने परसेंट क्लोरीन होती है मात्र, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तब क्वेश्चन हो गया कि तब क्या डोज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। कभी भी आप वो बोलता है क्लोरीन डोज कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन ही होती है, लेकिन वो जो केमिकल जो आपको दिया जाता है डोजिंग करने के लिए, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। पांचवा क्वेश्चन है, एसटीपी में क्लोरीन कहां डोज की जाती है। फ्रेंड्स, एसटीपी आपने देखा, एसटीपी में तीन ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। तो जब हमारा टर्सरी ट्रीटमेंट होता है ये, तो यहां पर डोज की जाती है। जब इससे पानी ट्रीट हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पानी ट्रीट होने के बाद CCT, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक बोलते हैं इसको, CCT, इसमें जब पानी इकट्ठा होता है तो इसमें डोज की जाती है, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में, ठीक है, CCT में डोज की जाती है। और फर्दर उसके बाद इसमें जो 20 मिनट 30 मिनट या आधा घंटा जितना भी रह जाती है क्लोरीन ज़्यादा, उसके बाद इसको टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए पानी को भेज दिया जाता है, ठीक है। मींस कहने का ये है कि क्लोरीन कभी भी गंदे पानी में डोज की जाती है, ना कि साफ पानी में। जैसे ओजोन, ओजोन जो होता है, ओजोन लेयर जब आप देखो, ओजोनेटर लगाया जाता है एसटीपी में, वो भी यहीं लगाया जाता है जब सेकेंडरी की ट्रीटमेंट के बाद पानी आता है। तो जब हम टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसमें ओजोनेटर लगा देते हैं जिससे बैक्टीरिया किल हो जाए। तो ओजोन और ये सीसी क्लोरीन जो है, ये हमेशा गंदे पानी में ही ट्रीट डाली जाती है या यूज की जाती है। लेकिन एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स, यूवी लगी होती है, यूवी को हमेशा ट्रीटेड वाटर में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, ट्रीटेड वाटर में। यहाँ पर यूवी लगी हुई होगी, कभी भी देखना आरओ में या किसी भी चीज़ में, प्लांट में, जहाँ कहीं भी यूवी लगी होगी वो ट्रीटेड वाटर में लगी होगी, यानी पानी ट्रीट होने के बाद लास्ट में, क्लियर है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि क्लोरीन कहाँ डोज की जाती है। फ्रेंड्स, क्लोरीन गंदे पानी में डोज की जाती है और यूवी हमेशा साफ पानी में से गुजार, साफ पानी यूवी में से गुजारा जाता है। ओजोन भी, ओजोनेटर जो लगा रहता है वो भी गंदे पानी यानी सेकेंडरी के बाद ही लगा रहता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरीन डोजिंग की पीएच शर्त क्या है। क्लोरीन डोजिंग की पीएच शर्त मींस, जब हम क्लोरीन डोज करते हैं तो उसमें पानी, उस समय पानी में हमें कितनी पीएच रखनी चाहिए। यानी अब पीएच तो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पाँच भी हो सकती है, छः भी हो सकती है, सात भी हो सकती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस समय क्लोरीन डोजिंग आप कर रहे हैं तो उस समय पीएच की जो लिमिट है, पीएच लिमिट जो है फ्रेंड्स, वो 5 से और 8.5 इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 to 8.5। अब होता क्या है फ्रेंड्स, अब आप बोल रहे हो लिमिट, मैं बता रहा हूँ पीएच, क्लोरीन डोजिंग के लिए पीएच शर्त है 5 से 8.5। लेकिन सबसे अच्छी पीएच लेवल क्या होता है, 6.5 से और 8, ठीक है, 8 मान लेते हैं, 6.5 से 8। अब देखिए दो कारण है, जो क्लोरीन काम करता है वो 5 से 8.5 के बीच में काम करता है। 5 से कम होगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी क्रिया नहीं करेगा। कौन सी क्रिया, वो मैं अगले आगे बताता हूँ कैसे काम करती है, इसमें बताता हूँ। तो वो क्या करेगा, जब 5 से कम पीएच होगी तो उस समय वो क्रिया नहीं करेगा और हाइपोक्लोरस एसिड नहीं बनाएगा जिससे बैक्टीरिया मरता है।
साढ़े आठ तक ये काम करता है, लेकिन 5 pH पे सबसे अच्छा काम करता है, 5 के बाद 6, 7, 8 इतने तक अच्छा काम करता है, 8.5 तक जाते जाते ये कम काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, कैसे? अब फिर आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो 6.5 से 8 के बीच में ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम कोई पानी ट्रीट करते हैं तो अगर हम उसका 5 रखेंगे, मतलब 5 pH रखेंगे, तो पानी एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो वो पानी क्या करेगा, फर्दर जहाँ भी हम लेके जाएंगे, मान लो पाइप के थ्रू लेके जाएंगे, प्लांट्स में लेके जाएंगे, कूलिंग टावर में लेके, वो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी का जंग लगाएगा, यानी लाइनों को जल्दी से जल्दी खा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6.5 के आसपास रखते हैं, यानी 7 से थोड़ा सा कम, 6.5-7 के आसपास जब होगी तो पानी न्यूट्रल होगा, हमारी क्लोरीन भी काम करेगी और उस समय हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, यानी हमारा जंग भी नहीं लगेगा, एसिडिक भी नहीं होगा पानी, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, तो बहुत सारी जो हमारी हानि है पानी एसिडिक होने की वजह से वो दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोरीन कितने से कितने पीएच तक काम करता है, तो आप बताइए 5 से 8.5 तक, सबसे अच्छा 5 पे काम करता है और 8.5 तक काम करता है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी पीएच प्लांट की दृष्टि से कौन सी होती है जब क्लोरीनेशन के लिए यूज करें, 6.5 से 8 के बीच में, 6.5 से 8 के बीच में रखते हैं तो क्लोरीन भी काम करती है, अपनी क्रिया करती है और पीएच भी अच्छा होता है। फ्रेंड्स अगला होता है 7वां क्वेश्चन, क्लोरीन कैसे काम करती है। देखिए होता क्या है, पानी H2O, ठीक है, जब पानी में क्लोरीन डाली, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, तो जब हम पानी में क्लोरीन डालेंगे तो फ्रेंड्स क्रिया करके दो चीजें बनती हैं, HOCl प्लस HCl, Cl का एक है, Cl का एक है, दो यहां है, ऑक्सीजन का एक एक, हाइड्रोजन के दो है, तो एक यहां है एक यहां है। ठीक है, अब मैंने फ्रेंड्स ये इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है, मीन्स ये क्रिया, अगर ये दोनों चीज है तो ये भी बन जाएगा और ये करेंगे तो ये भी, मीन्स इन दोनों को मिलाएंगे तो क्रिया ये हो जाएगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्रिया ये हो जाएगी, यानी ये क्रिया रिवर्सिबल होती है, दोनों तरह से हो सकती है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये आप जानते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है फ्रेंड्स, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन जो STP वाटर या कंटामिनेंट्स के थ्रू जो गंदे पानी में बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में सबसे ज़्यादा हाथ इसका होता है, यानी जब सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है ये हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। तो HOCl की क्रिया जब pH 5 से ज़्यादा होगी तभी ये क्रिया हो पाएगी और HOCl बन पाएगा, जैसे जैसे 8.5 तक जाएगा HOCl बंद हो जाएगा बनना और इसकी जगह कुछ और बनेगा, ठीक है, क्रिया अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या करता है कि जैसे ही हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, अब ये क्या करेगा, जो पानी के अंदर कंटामिनेंट्स हैं यानी गंदगी है, बैक्टीरिया है, उसको ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का भोजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को डैमेज करेगा, न्यूट्रिएंट्स का जो सेल होता है उसको ख़त्म करेगा, यानी सबसे बड़ा इसका यही काम है कि ये न्यूट्रिएंट्स यानी जो उसको बैक्टीरिया का भोजन उसके अंदर है पानी के, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है और बैक्टीरिया भूखे रहने की वजह से मर जाता है। जब उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे भी बता सकते हो, डायरेक्टली ऐसे बताते हो, हाइपोक्लोरस एसिड बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि हम pH 5 से कम या 8.5 से ज़्यादा रखते हैं तब क्या होगा। फ्रेंड्स pH 5 से कम करेंगे तो HOCl नहीं बनेगा, यानी क्रिया नहीं होगी और HOCl नहीं बनेगा, तो क्लोरीन उसको किल तो करेगा बैक्टीरिया को, लेकिन वो जो एफिशिएंसी होगी किल करने की वो बहुत ही कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जिस पर्पज के लिए क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं वो पर्पज हमारा प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। 8.5 के बाद भी सेम है, अगर 8.5 कर देंगे तो 8.5 के बाद हाइपोक्लोरस एसिड बनना बंद हो जाएगा, मीन्स प्रॉपर काम हमारा होना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या है, 5 और 8.5 के बीच में ही उसकी पीएच लेवल रखना पड़ेगा। 9 क्वेश्चन है, क्लोरीन डोजिंग कितना करना चाहिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि क्लोरीन कितनी डोज करनी चाहिए, कितनी डोजिंग होनी चाहिए क्लोरीन की। फ्रेंड्स क्लोरीन डोजिंग कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है, जब तक आप पानी में कितना कंटामिनेंट्स है, कितनी गंदगी है, कितना बैक्टीरिया, वो सब टेस्ट नहीं कराओगे लैब के थ्रू तब तक ये नहीं पता चल सकता कि कितना ppm डोज करना है। लेकिन मैं मिनिमम और मैक्सिमम बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, 0.2 ppm से और 2 ppm तक का क्लोरीन डोज किया जाता है।
ठीक है, 0.2 ppm से 2 ppm। अब 2 ppm का मतलब क्या हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, यानी मैं 2 ppm अगर डोज कर रहा हूं तो इसका मतलब है 2 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2 मिलीग्राम क्लोरीन डोज करनी है, क्लोरीन प्योर हो, क्लोरीन डोज कर रहे हो तो प्योर क्लोरीन, 2 ग्राम क्लोरीन 1 लीटर में डोज की जाती है, वो मैक्सिमम है। अब ये कंट्रोल कहां होती है फ्रेंड्स, देखो 0.2 ppm और 2 ppm हम डोज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलत डोज कर रहे हैं या सही डोज कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हमारी डोजिंग चलती है, डोजिंग चलने के बाद हम एक चीज और चेक करते हैं, वो होती है FRC। अगला क्वेश्चन है मेरा, FRC क्या है, वे लिमिट क्या है। FRC होती है फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, क्या होती है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। अब फ्रेंड इनका क्या होता है, देखिए जब हम पानी में क्लोरीन टेस्ट कर रहे हैं तो क्लोरीन डोज कर रहे हैं तो क्लोरीन टेस्ट भी करते हैं, जब ट्रीट वाटर आ रहा है ट्रीट वाटर में हम ये डोज करते हैं कि कितनी क्लोरीन इसमें अवेलेबल है। तो जो क्लोरीन अवेलेबल है उसकी लिमिट मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, जो मेंटेन की जाती है, मींस जो होनी चाहिए मेंटेन, वो होती है 0.2 ppm से और 0.3 ppm तक। कितनी होनी चाहिए, 0.2 से 0.3 ppm तक, अगर FRC चल रही है ट्रीट वाटर में इतनी क्लोरीन चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 से 0.3 के बीच में ठीक है, इतना ही रखना है। लेकिन अगर ये ऊपर पहुंच जाती है 0.5 ppm तक, लास्ट लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 0.5 ppm, तब फ्रेंड्स 0.5 ppm तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0.5 भी जो लिमिट है वो ज़्यादा है। मेंटेन कितनी करनी है, 0.2 से 0.3, लेकिन अगर 0.5 तक जाती है तब भी हमें एक्सेप्टेबल है, मींस एक गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि 0.5 ppm तक चल जाएगा, मगर इससे ऊपर जाएगी तो वो हानिकारक है। ठीक है, तो कितनी लिमिट है FRC की, क्या लिमिट है, 0.2 से 0.5, लेकिन 0.2 और 0.3 ही हम मेंटेन करते हैं कि जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उसमें 0.2 या 0.3 ppm ही होना चाहिए क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, यदि FRC लिमिट से ज़्यादा है तब क्या नुकसान होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये बात है, यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो ट्रीटेड वाटर है उसमें FRC बची है, जो क्लोरीन बची है उसको बदलें FRC फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, अगर उसकी लिमिट 0.5 से ज़्यादा हो गई, यानी उसमें 0.6, 1 ppm, 0.7 ppm, 0.8 ppm आ रहा है, तब नुकसान क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए क्या क्या नुकसान होंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ इंडस्ट्री की लिमिट से, इंडस्ट्री की दृष्टि से बात करूँ तो क्या क्या नुकसान होंगे। FRC जब हमारी 0.5 से ऊपर हो जाएगी तो फ्रेंड्स होगा क्या कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज आइटम्स है, मींस जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज की कैटेगरी में आता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो हमारे पाइप्स हैं या जो हमारी ट्यूब्स हैं या जहां भी कंडेंसर में जाना है तो उसकी ट्यूब है, उनको ऑक्सीडाइज करेगा, मींस कि वो जंग लगाएगा, जंग की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और हमारे पाइप जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, वहां पर जो भी होगा वो हमारी पाइपलाइन या कूलिंग टावर जो भी MS का आइटम है उसको डिटोरिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन को लिमिट में ही रखना पड़ता है 0.2-0.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये तो इंडस्ट्री की दृष्टि से, पाइप या MS की दृष्टि से हो गया नुकसान। 12वां मेरा क्वेश्चन है, मानवता के लिए FRC कैसे हानिकारक है। मीन्स ये है कि फ्रेंड्स क्लोरीन जो है, अब जैसे दिल्ली जैसा शहर है, दिल्ली में शहर है तो वहाँ पानी सप्लाई जो की जाती है उसमें क्लोरीन ऐड होकर आती है, तो उस क्लोरीन की मात्रा अगर 0.5 से ज़्यादा होगी तब क्या क्या नुकसान होंगे, क्योंकि वो पानी तो हम पीते हैं, वो पानी पीते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, नंबर एक, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसमें, तो नंबर एक उसमें क्या है, स्मेल हो जाती है, क्लोरीन की स्मेल आती है। कैसी आती है, बड़ी अजीब सी क्लोरीन की स्मेल आती है, तो उसका जो है गंध जो है वो बिगड़ जाती है, पहली चीज़। नंबर दो, इसको ओडोर बोलते हैं। नंबर दो फ्रेंड्स, क्लोरीन क्या है, जैसे जैसे वो क्लोरीन हम पीते रहेंगे तो वो क्या करती है, हमें हेल्थ की दृष्टि से कैंसर की, जो कैंसर बीमारी होती है इसकी बीमारी को बढ़ा देती है, यानी इसका खतरा बढ़ा देती है। अगर हम वो क्लोरीन कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक पियेंगे तो वो हमें कैंसर होने की जो कगार पर लाकर खड़ा कर देगी, या हमें कैंसर का कुछ फर्स्ट स्टेज है तो वो उसको ग्रो करेगी,
मीन्स कैंसर की संभावना को बढ़ा देती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स कैंसर सडनली हो जाएगा अगर उसको पी रहे हो तो, कोई मान लो दिल्ली में बोल रहा है हम तो 10 साल से रह रहे हैं हमें नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर करे, लेकिन कैंसर की संभावना को बढ़ा देगा अगर आप कंटिन्यूसली उसको रेगुलर पी रहे हैं तो। उसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज मार देगा कल मार देगा, नहीं, 50 साल भी लग सकते हैं, 60 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर किसी को कोई माइनर इनिशियल स्टेज है आपकी, कहीं बाहर से आए आके बस गए, इलाज करा रहे हैं और वहाँ क्लोरीन का पानी पी रहे हैं, तो वो आपको आपके कैंसर में वृद्धि करेगा ना कि कमी करेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि FRC 0 दिखाई दे रहा है तब क्या करें, मान लो प्लांट में। अब डोज कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एक ऐसे डिब्बा बना रहता है ऐसे, जो 20 लीटर 40 लीटर 80 लीटर का उसमें घोल बना देते हैं और इस पर एक डोजिंग पंप लगा रहता है। इस डोजिंग पंप की क्षमता 4 LPH, 6 LPH या 12 LPH इस तरीके से लिखी रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी डोजिंग 6 LPH चल रही है। अब ये भी मैं बताऊंगा कि 6 LPH 6 लीटर पर आवर कैसे चलती है, वो सब मैं बताऊंगा। तो 6 LPH चल रही है। अब देखिए यदि FRC 0 दिखाई दे रहा है तब क्या करें, मान लो हमारा जो ट्रीटेड वाटर आ रहा है उसका हमने क्लोरीन टेस्ट कराया और क्लोरीन यानी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसमें वो 0 दिखाई दे रही है, मीन्स जैसे 0.2 या 0.3 आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोरीन डोजिंग है यानी जो ये डोजिंग पंप है इसको मान लीजिए 4 LPH पे चल रहा है, तो हम उसको 4 से 6 LPH कर दें। 6 LPH करने के बाद और फिर हम टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के बाद अगर वो 0.2 PPM या 0.3 PPM आता है तो फिर उतना ही चलने दें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डोजिंग क्लोरीन का बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है 14th, यदि FRC 0.5 से ज़्यादा है तब प्लांट में क्या करें। फ्रेंड्स अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है और मान लीजिए 6 LPH चल रहा है तो आप उसको 4 LPH कर दिए, सीधा सा आंसर है कि आपको क्लोरीन डोजिंग कम करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, क्लोरीन डोजिंग कैलकुलेशन कैसे करें, यदि 2 PPM डोजिंग करना है तब हाइपो का घोल कैसे बनाएं, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन डोजिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, आप प्लांट में क्लोरीन तो पानी तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो हाइपो आया हुआ है वो NaCl हाइपो आ गया, तो उस हाइपो को कितना डोज करें। हमें तो 2 PPM मान लीजिए आपको बोल दिया कि 2 PPM डोज करना है, ठीक है, क्लोरीन क्वांटिटी कितनी, डोजिंग जो है वो 2 PPM करनी है आपको। अब 2 PPM करनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि 2 PPM के लिए मैं कितने का घोल बनाऊं, क्या करूं, कैसे निकालूं, होता क्या है उसके लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं फ्रेंड्स। ये तो हमें पता चल गया 2 PPM क्लोरीन डोज करनी है, उसके साथ साथ जो वाटर फ्लो है, क्या है वाटर फ्लो, वो पता होना चाहिए कि कितना पानी फ्लो हो रहा है। वो कैसे पता होगा, अक्सर STP से जब टर्शियरी ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ वाटर फ्लो मीटर लगा रहता है, और जब वाटर फ्लो मीटर रहता है तो वाटर फ्लो मीटर में ये दिखाते रहते हैं कि 10 KL पर आवर चल रहा है या 20 KL पर आवर लीटर चल रहा है, तो उससे पता चल जाता है। मीन्स मान लीजिए आपका फ्लो जो है 15 KL पर आवर चल रहा है, मीन्स 15,000 लीटर एक घंटे में ट्रीट हो रहा है, तो आपको पता चल गया कितना पानी ट्रीट हो रहा है, ठीक है। 2 PPM का मतलब है 2 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2 mg क्लोरीन डोज करनी है, प्योर क्लोरीन इतनी डोज करनी है, ना कि हाइपो, ठीक है। तो अब फ्लो आपको पता चल गया। अब देखिए आपको ये पता चल जाए कि 24 घंटे में, यानी हमारा जो है 24 घंटे में प्लांट रनिंग में तो आप डाल नहीं सकते हो, ट्रीटेड वाटर में तो डाल नहीं सकते हो, तो आप 24 घंटे में जो प्लांट चल रहा है वो कितना चलता है, मींस आपको ये पता चल जाए कि 15 KL का फ्लो है, और मान लीजिए कि हमारा प्लांट जो चलता है टाइम, वो टाइम है कि कुल 24 घंटे में 8 घंटे चल रहा है या 2 घंटे चल रहा है, वो आपको डिपेंड करना है कि कितने घंटे चल रहा है। मान लीजिए 8 आवर चल रहा है, ठीक है, 15 KL पर 8 घंटे प्लांट चलता है 24 घंटे में, ठीक है। तो पानी वो जाके कहाँ इकट्ठा होगा, टैंक में, तो उसी हिसाब से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद पानी इकट्ठा होगा क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में, तो वहाँ भी तो इतना ही पानी इकट्ठा होगा डेली का, आपको एवरेज पता चल गया। अब यहाँ से पानी पता चल जाएगा और यहाँ से आपको डोजिंग पता चल गई कि 1 लीटर में 2 mg डाल दिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर हमारे पास प्योर क्लोरीन है तो हम कितना डोज करेंगे। देखिए आइए फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है इसका, फ्लो इनटू टाइम, कितना टाइम करना है, इनटू पीपीएम, 2 PPM कितना पीपीएम करना है, और यहाँ होता है 100%,
अगर आप 100% कर रहे हैं तब, अगर आप 100% नहीं कर रहे हैं तब कितना होता है मैं बताऊंगा। 100% का मतलब हो गया 100/100, तो ये 100/100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब फ्लो है मेरा 15,000, कितना है 15,000, टाइम है 8 घंटे, और कितना पीपीएम देना है मेरे को 2 PPM, और 100% 100% मीन्स हो गया 100/100, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो ये जो आएगा फ्रेंड्स, ये भी किस में आएगा बताता हूँ आपको। अब इसको देख लीजिए, 8 × 2 = 16, चौबीस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 240,000। अब ये 240,000 क्या है? ये 240,000 आएगा फ्रेंड्स मिलीग्राम, क्या आएगा मिलीग्राम, क्योंकि हम 2 मिलीग्राम 1 लीटर में लिए हैं, तो हम यहाँ भी लिखे हैं 2 PPM या 2 मिलीग्राम 1 लीटर, और पानी कितना है 15,000 × 8, तो इतना पानी है, 15,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने लीटर पानी है, और 2 के अकॉर्डिंग करनी है, तो ये आया इतने मिलीग्राम। अब इतने मिलीग्राम आया तो फ्रेंड्स 1,000 मीन्स आपको 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होते हैं, तो हम इसको या तो इतना मिलीग्राम लिख लें या आगे लिख दें 240 ग्राम, ठीक है। तो कितना क्लोरीन आपको करना पड़ेगा 240 ग्राम, ठीक है। मीन्स अगर आपका 24 घंटे प्लान चल रहा है और उसमें से 8 घंटे पानी चलता है, ये फ्लो रेट है, तो टोटल पानी जितना भी होगा 15,000 × 8 कर लीजिए, तो उतने पानी के लिए 240 ग्राम क्लोरीन आपको ऐड करनी पड़ेगी यदि आप 2 ppm पर ऐड कर रहे हैं तब। अब कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आप इस पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप FRC चेक करेंगे तो FRC 0.2 या 0.3 आनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा आ रही है तो आप 2 ppm की बजाय इसको कम कर दीजिए, 1 ppm और कम करना और कम कर लीजिए जैसे जैसे। तो वो होता क्या है, FRC जब टेस्ट होती है उसी के बिहाव पे डोजिंग कम कर दी जाती है। अब ये 240 ग्राम ऐड करनी है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर लिक्विड में है तो 240 ml, ठीक है। तो 240 ग्राम ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमारे पास पंप है कि हमारा पंप मैक्सिमम ये है 4 लीटर, 6 लीटर और 12 लीटर तक दे सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हम पंप चलाएं तो 6 लीटर पर आवर चढ़ा दे, 6 लीटर, 4 लीटर एक घंटे में फेंकेगा, मैं इस पे डोजिंग कर लेता हूँ, 4 लीटर एक घंटे में फेंकेगा, तो होना क्या है 240 ग्राम को इस तरीके से घोल बनाइए कि 8 घंटे प्लांट चलना है तो 8 घंटे मुझे डोजिंग भी चलानी है अपनी, साथ साथ अगर मैं पाइप के डोजिंग करता हूँ जो प्री वाले में, तो अगर मुझे LPH उसके थ्रू देनी है तो 8 घंटे प्लांट चलाना है तो 8 घंटे डोजिंग चलानी है, 8 घंटे अगर डोजिंग चलानी है तो 4 लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग मेरी 250 ग्राम चली जाए, तो 4×8=32 यानी 32 लीटर मेरे को चाहिए, तो आप इसमें क्या है 32 लीटर पानी ले लीजिए और 32 लीटर पानी में 240 ग्राम क्लोरीन डाल दीजिए, कितनी डाल दीजिए 240 ग्राम क्लोरीन। फ्रेंड्स होता क्या है, अब आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जाएंगे तो ये 32 ना लेकर के आप 32 में से 240 ml पानी कम लीजिए, मींस 32 क्योंकि 240 ml आप ऐड कर रहे हैं और टोटल में 32 लीटर चाहिए, तो आप अगर ऐसे भी करते हैं तो गलत नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल बनाने के लिए 32 लीटर पानी ना लेकर के आप 31.5 लीटर पानी लीजिए, कितना हमें टोटल चाहिए 32 लीटर, टोटल आप ऐसे लिख लीजिए टोटल इतना चाहिए, तो इसमें कितना 31.5 ml इतना पानी चाहिए लीटर, मैं लिख देता हूँ 31.5 ml यानी 31 लीटर 750 ml पानी प्लस 240 ग्राम या 240 ml इसमें जो है वो कर लीजिए क्लोरीन ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 32 लीटर, और जब 32 लीटर हो जाएगा तो 8 घंटे प्लांट चलेगा, 32 लीटर में 8 घंटे 4 LPH के अकॉर्डिंग ये 2 PPM उसमें डोज कर देगा, इस तरीके से किया जाता है। अगर आप पानी ज़्यादा रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं 4 LPH, तो रेशियो यही रहेगा, अगर आप मान लीजिए कि 32 की बजाय 64 लीटर का घोल बनाना चाहते हैं तो 64 लीटर के घोल में 240 को डबल कर दीजिए और इसको भी डबल कर दीजिए, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम घोल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डोज करते हैं, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम हाइपो डोज कर रहे हैं, तो हाइपो जो आता है वो 2 या 3 कैटेगरी का आता है, आप
जब आप हाइपो ले रहे हैं NaCl, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो वो लिक्विड आता है ml में, लीटर में आता है। तो जब आप उसको ले रहे हो तो उससे आप पूछ लो कि कितने परसेंट का हाइपो है। जब आप ले रहे हो उससे पूछो कितने परसेंट का हाइपो है। हाइपो फ्रेंड्स नॉर्मली 8% या 10% का ही ये जो वेंडर होते हैं देते हैं, तो वो धोखे में रखते हैं। आप उनसे कंफर्म करो 8% का है, 10% का, 12% का, 20% का, कितने का है। मान लीजिए 10% का हाइपो उसने दिया, कि 10% का हाइपो का मतलब हो गया कि 100 में 10 लीटर, अगर 100 लीटर आपके पास लिक्विड है तो 10 लीटर ही उसमें क्लोरीन है। तो आप कैसे करेंगे। अब ये देखिए, ये लिखा मैंने 100%। तो फ्रेंड्स अगर आपका 10% का हाइपो है, हाइपो आप डोज कर रहे हो, तो यहाँ 100/100 ना कर करके 100 के नीचे 10 कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 100/10 ये कट गया। उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है इतना, इतना आता है क्या, PPM, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन के हिसाब से अगर हम इसको ml में बनाएंगे तो ये लगभग 2400 ml आएगा। ठीक है, ग्राम और ml बराबर होते हैं, ना कि मिलीग्राम और ml। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 2400 ml बराबर हो गया 2.4 लीटर लगभग। तो कितना हाइपोडोज करना पड़ेगा, 2.4 लीटर, और किसके अकॉर्डिंग, जहां हमें 240 ग्राम वो डालना पड़ रहा था, यहां पे हम क्या करेंगे, अगर 32 लीटर का डोज बनाना है तो 2.5 लीटर हमें यहां पे, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हाइपो बनाना है, 32 लीटर का बनाना है, तो फ्रेंड्स देखिए होगा क्या, 32 लीटर तक रखना, 2.5 लीटर तो हमें हाइपो ही देना है, क्लोरीन, क्लोरीन की जगह आएगा NaCl, हाइपो क्योंकि हम वही डोज कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2.4 यानी लगभग 2.5 लीटर। तो अब इसके अलावा इसमें से 32 में से 2.5 कम कर लीजिए तो ये आया 29.6। ठीक है, यानी 29.6 लीटर जो है ये रहेगा पानी, और 2.4 लीटर रहेगा हाइपो, और उसके बाद आपका 32 लीटर का घोल बन जाएगा, जो 4 की दृष्टि से, 4 के हिसाब से डोज कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।